नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे वरिष्ठ साहित्यकार से जिन्होंने साहित्य में बहुत बड़ा काम किया हुआ है। चलिए मिलते हैं श्री जगदीश खरे, जीव मित्र उनको उपनाम लिखते हैं, उनसे मैं मुलाकात कराता हूं आपकी। नमस्कार सर। नमस्कार भैया। नमस्कार जगदीश जी, आप हमें अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ जन्मे, कहाँ पले पोसे और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई। सागर विश्वविद्यालय से एमए किया, प्रथम श्रेणी में प्रथम स्थान लिया। नंदलाल वाजपेयी भगीरथ मिश्र के अंतरंग शिष्य रहे जी। और बोलिए, और कहाँ पे आपकी पोस्टिंग रही, एजुकेशन विभाग से आप जुड़े रहे। हम पूर्वांचल में रहे हैं, सागर वो सुल्तानपुर में जी। पहले उरई में पढ़ाया एमए को एक साल जी, इसके बाद हमारी पोस्टिंग हो गई वहां से। सुल्तानपुर में कितने बरस रहे आप? एक तरह से पूरी जिंदगी। अच्छा अच्छा। आप जब चुकी आप सुल्तानपुर में रहे तो वहीं से रिटायर हुए? हाँ, वहीं से रिटायर हुए इसीलिए तो। अच्छा अच्छा अच्छा। 2010 में रिटायर हुए आप? अच्छा। खरे साहब एक बात बताइए कि आप अपने नाम के साथ जीव मित्र लिखते हैं, इसका क्या कारण है, उसका क्या मतलब है? क्या सर? आप अपने नाम के साथ जीव मित्र लिखते हैं। हाँ हाँ। तो इसका क्या मतलब है? असल में मैं अहिंसा का पुजारी हूँ, किसी भी जीव को नष्ट नहीं करना चाहता, यही है हमारा उद्देश्य जी। और लोग अपने जीव के स्वाद के लिए तमाम हत्याएं कर डालते हैं, ये हमें हमेशा से, जबकि हम अच्छे खासे बंदूक चालक है, कुछ जंगली जानवरों की शिकार भी किया, लेकिन अहिंसा ही व्रत हमने अपनाया। आपकी लेख की यात्रा कब से शुरू हुई? कक्षा 8 से। अच्छा। हाँ, बचपन से। अब बचपन पे जब लिख नहीं पाते थे तब कविताओं के बारे में सोचते थे, दृश्यों के बारे में सोचते थे, जो दृश्य घटित होते हैं, हरी हरी चिड़िया आकाश में उड़ रही है उनको देख करके। बाद में जब तो उसी पर तो हमने प्रथम श्रेणी प्रथम स्थान पाया सागर विश्वविद्यालय में जी जी। हाँ। तो आपकी रचनाएं कहाँ कहाँ प्रकाशित हुई? अब तो ये मत पूछिए, क्योंकि कोई रचना कोई शायद संपादक बचा हो जो रक्षा पाला हो हमें। हम एक दो पत्रिकाएं तो हमारे हाथ ही में थी यूनिवर्सिटी की जी, एक तो सागर विश्वविद्यालय की जी, और दूसरा यहाँ की अपनी यूनिवर्सिटी की जी। तो आपने मतलब जो दो यूनिवर्सिटियों में आप चूंकि पेपर सेट करते थे, कितने यूनिवर्सिटियों को आपने पेपर सेट करके दिए? आप देख लिया, आपने तो खुद देख लिया कागज जी, कि हम टिक वो मैसूर में पेपर सेट करके भेज रहे हैं जी। देखिए, वो गवाह है, वो अभी भी आप भेज रहे हैं बराबर। हाँ, ये लिखते हैं। अच्छा, आप पेपर सेट कितने वर्षों से कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के लिए? अरे हम तो 72 से। अच्छा। 72-73 से जब कंफर्म हो गए टीचिंग में तब। अच्छा खरी साहब, आप कहाँ कहाँ आप स्थानीय झांसी के पेपरों में भी आपने रचनाएं खूब लिखी? रचनाएं छपी तो है चारों तरफ जी। मुख्य कहाँ छपी? अब जहाँ आपने तो देख ही लिया कि झांसी में कई पत्रिकाएं छापी हैं मैं जी। एक तो वो आपकी वो कथा संवेद है सुल्तानपुर में, तो हमारे जो तमाम शिष्य थे श्याम सुंदर, तो ये अपनी पत्रिकाएं निकालते थे। अच्छा, यहाँ झांसी में भी तमाम पत्रिकाएं निकलती हैं, सब में छपे हम। अच्छा अच्छा। ज्यादातर आपकी रचनाओं गद्य पे हैं या पद्य में हैं? हमारी रचनाएं गद्य में भी है, पद्यात्मक भी है। अच्छा। लेकिन पद्यात्मक कम है, गद्यात्मक ज्यादा है, जो नई कविता कहलाती है। हमें जानकारी में है कि आपने पत्रिकाओं की, लोगों के किताबों की समीक्षाएं बहुत की हैं। हाँ, समीक्षाएं बहुत की हैं, वो तो हमारा काम ही रहा विद्यार्थियों को पढ़ाना, तो हमारे कम से कम टॉपर विद्यार्थी 25-30 है पूरी जिंदगी के। तो कहाँ कहाँ है वो आजकल आपके विद्यार्थी? हमसे भी अच्छे पहुंचे, पोस्ट पे हो गई, यूनिवर्सिटी में पहुंच गए हैं, विश्वविद्यालय में पहुंच गए हैं। श्याम सुंदर है वहां पर, जहाँ हम सुल्तानपुर में रहे हैं, सुल्तानपुर में कम से कम 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि बहुत अच्छे संपादक भी हैं, पत्रिका निकाले, अखिलेश है, हरि भटनागर है जी। और अब तत्काल में वो याद नहीं आती है हमें, 50 आदमी लड़के।
अच्छा, आपका लेखन के अलावा हाँ और क्या शौक रहे? शौक ये है कि जो समाज में विकृतियां हैं उनको हमने निंदा की और हम खुद निंदा के पात्र हो गए। जब कैसे? हमने अपने रिश्तेदारों को शराब पीने से रोका तो मालूम हुआ कि हमें को टिकट करने लगे कि तुम काय चाय पीते हो, हम अगर एक कुल शराब पी लेते हैं तो हमने तो मद्य निषेध पर बहुत ध्यान दिया, क्योंकि वो चरित्र की पहली पाठशाला है। अगर आप उसको पीते हैं तो फिर आपकी आप अच्छे नहीं माने जाएंगे किसी भी कीमत पर। आपकी कोई पुस्तक प्रकाशित हुई अब तक? पुस्तक तो हम जितने कॉलेज के विद्यार्थी हैं वो हमारी रचनाएं लेते रहे हैं जी, और पुस्तक है हमारे वो फुटकर फुट गए हैं एक तरह से। हाँ। अब संग्रह में तो नहीं आया ये अभी। हाँ। संग्रह का जो है अभी वो नीचे कराया, अब आ जाएगा इस साल। आपको याद आता है कि अब तक आपने कितने लोगों की समीक्षाएं पुस्तकों की होंगी? लगभग हाँ लगभग लगभग हमारे सागर विश्वविद्यालय में जब हमने टॉप किया तो नंदलाल वाजपेयी तो चले गए थे और वो अरे उनका नाम नहीं आ रहा जो लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने देखो तो नाम उड़ गया। चलो कोई बात नहीं। हाँ। तो बाद में डाल देना जी, जी, जी। तो वो हमसे मिलने आए सुल्तानपुर में बधाई देने के, तो बेटा तुम पढ़ रहा भाषा विज्ञान पढ़ा रहे हो, रामलाल सिंह। अच्छा। डॉक्टर रामलाल सिंह जिन्होंने भाषा दर्शन लिखा है। हाँ। जी तो अब तक कितनी आपने समीक्षाएं की होगी? लगभग कम से कम 1400। अच्छा 1400 समीक्षाएं हो गई है। ये भंडार इतना बड़ा है कि लोग सहज विश्वास नहीं कर पाते। हाँ। अब उसमें जैसे आप हैं, आप हमारे मित्र हैं, आपने कहा कि यार जैसा रामधारी सिंह दिन पर लिख दो, आज उनकी जन्मतिथि है, हमने उसको भी लिख दिया। मतलब सामयिक विषयों पर भी आप लिखते रहे? हाँ। जो सामयिक विषय थे उन पर भी आप लिखते रहे? हाँ, लिखते रहे। खास तौर से हम अहिंसा के पुजारी हैं, इसलिए हमने गोश्त का शराब का बहुत विरोध किया और विरोध सहा भी है उसका। नाराज हो गए लोग। कैसे नाराज हो गए? स्वाभाविक है कि भाई अब कोई किसी के लिए जान हत्या करते हैं तो उन्हें मजा आता है, भाई हमें नहीं आता है ये। आपने रोका तो वो आप पे गुस्सा हो गए। फिर बोलो क्या बात कह रहे हो जी। खल साहब आप हमें ये बताइए कि अब आपके नए, अभी चूंकि आपका जो कार्यकाल है अब सीनियर सिटीजन है, आप अपने आप को कैसे कैसे हाँ कैसा व्यस्त रखते हैं? साहित्य तो हमारे जो श्याम सुंदर है, हरि भटनागर है, अखिलेश है, ये अच्छे लड़के हैं। अब लड़के क्या तो बुजुर्ग हो गए जी, जी। और लेखक के तौर पे बहुत अच्छे हैं सब जी, और हम ही ने उनको पेन सिखाया चलाना, लेकिन भी अब हमसे ही आगे बढ़ गए। कई संपादक है, कई अब ये कोमल लता यहाँ कमिश्नर होके गई है जी, जी। आप जानते हैं स्टूडेंट रही हमारी जी। अच्छा अच्छा एमए की। हाँ। हिंदी की। तो कैसा लगता है जब आप अपने स्टूडेंट को इतने बड़े पदों पे देखते हैं, कैसा लगता है आपको? हमें तो पढ़ाना हमारा पता नहीं क्यों, कुछ लोग बोर होते हैं पढ़ना के, वो हमें अगर पढ़ाना ना मिले तो हम फ्यूज हो जाते हैं। अच्छा विचित्र बात है। हाँ। तो अब जब आप रिटायर हैं, घर पे हैं, तो आप अपना समय को कैसे काटते हैं, कैसे आप समय का इस्तेमाल करते हैं? छोटी मोटी कविताएं लिखते हैं, छोटी गद्यात्मक। अच्छा। कविताएं अगर जैसे समय मिला तो कुछ ना कुछ लिखा, लेकिन वो हिट भी होती हैं वो जी। तो क्या याद रह जाती हैं आपको? एकाध कविता याद है रचना? हाँ सुनाइए हमारे दर्शकों को। अच्छा। जाने कब की देखा देखी, धीरे धीरे प्यार बन गई, लहर लहर में चांद हंसा तो लहर लहर गलहर बन गई, स्वप्न संजोती सी वे आंखें, कुछ बोली कुछ बोल ना पाई, मन मधुकर की कोमल पाखें, कुछ खोल ना पाई, एक दिवस मुस्कान दूत जब प्रणय पत्रिका लेकर आया, ज्ञात नहीं उस क्षण में मैंने क्या क्या खोया क्या क्या पाया, क्षण भर की मुस्कान तुम्हारी जीवन का आधार बन गई, जाने कब की। और ये कविता हमारे मित्रों को तमाम लोगों को इतनी पसंद आई कि अपने अपने नाम से पत्रिकाओं में छपाई भी है। अच्छा आपका नाम हटा के अपनी अपने नाम से छपवा ली? अपने नाम से छपवा ली। अच्छा, अच्छा। अब उसमें क्या मित्र है।
अच्छा खरे साहब, एक बात बताइए कि आज की जो लेखन पद्धति है, आज जो लिखा जा रहा है और आपके काल में जो लिखा जाता है, फर्क क्या क्या है उसमें? सबसे बड़ा तो मूल्य का परिवर्तन है। जिस पर चोट करना चाहिए, भ्रष्टाचार पर, बदमाशियों पर, अराजकता पर, उस पर चोट कम की जा रही है और मस्ती ज्यादा है, एंजॉय ज्यादा कर रहे समझे। तो ऐसी परिस्थितियों को देख के आपका मन दुखी होता है? बिल्कुल दुखी होता है हमारा तो। अरे हमें अगर बकरा कटते हुए देखा तो हमें बहुत कष्ट होता है जी। हमारा मन तो इस मामले में बड़ा कोमल है जी। ऋषि लोगों, कुछ कई लोगों ने तो कहा कि ये तो ऋषि है वो जन्म के। अच्छा खरे साहब, जब आप, जबकि हमने शिकार किया है पशुओं, हिंसक पशुओं का, बंदूक चलाने में हम एक नंबर है, लेकिन हमें निरीह जानवरों को मारने कभी पसंद नहीं आया। आपके पिताजी, आपने बताया कि वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे आपके पिताजी, हमारे बारे में बताइए थोड़ा सा। हमारे पिताजी ने तो वो काम किया जो शायद बहुत कम लोगों ने किया। हमारे पिताजी थे अध्यापक और सादा नदी पर बाबा जी आए, उनको बाबा जी कहते थे, उनको नहीं, चंद्रशेखर आजाद को। जी जी जी। तो ये हमारे पिताजी उनको पपड़िया लेकर के जाते थे। अच्छा, सातार पे, सातार नदी। हाँ। जबकि कटेरा से सातार नदी कम से कम 50-60 किलोमीटर जरूर होगी। जी जी। अच्छा, वहाँ जाकर के उनको सिखाते थे बाबा जी को। हाँ। एडमिशन देते थे, कार्टून देते थे और पपड़ियों के बीच में ले जाते थे। अच्छा, छुपा के। हाँ। हमारा लेख भी छुपा है पपड़ियों के बीच में, माउजर। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपकी लेकिन पिताजी ने कभी इसको जाहिर नहीं किया, क्योंकि वे बड़े राज घराने से भी थे, तो उन्होंने कोशिश की कि हम इन गतिविधियों में नहीं है। तो जब रेवड़ी बटने का दिन आया, स्वतंत्र हुआ देश, तो ये जो छोटे भैये है वो कहीं अपना भगवा पहन करके, कहीं अपना वो लाल पहन करके, कहीं कुछ निकल के, सब बन गए। हाँ। सब बन गए क्रांतिकारी। और पिताजी इसलिए छुपे रहे क्योंकि वे एक बड़ी रियासत कटेरा के राज वो थे, मंत्री के पुत्र जी। तो इसलिए वे छुपे रहे कि नहीं भैया, हमें नहीं करना, ये तो बदनामी के काम है। अच्छा, अच्छा। और जबकि उन्हीं के कारण पिताजी ने ही तमाम लोगों को बंदूक चलाना सिखाया जी। तमाम लोगों को एम्युनिशन दिया, कारतूस बनाते थे, कड़ाही में शीशा पिघला करके उसको घोटते थे, ऐसी गोलियां बनाई उन्होंने तमाम लोगों की। आप लोग, आपके पिताजी के कितने बच्चे थे? अकेले हम। अच्छा, अच्छा। और जी बहने चार। अच्छा, कौन कौन बहनों के नाम बताइए? एक तो अजब जीत जी, सोना जीत जी, शांति जीत जी और एक विद्या बहन, सबसे छोटी। ये विद्या बहन जीती भी जीवित और विचार तीनों खत्म हो गई है। अच्छा, अभी खत्म। खरे साहब, आप सुल्तानपुर में बहुत समय रहे, वहाँ की कोई रोचक घटना कोई हो तो आप हमारे दर्शकों के साथ बताइए, शेयर कीजिए। सुल्तानपुर में तो रोचक घटनाओं की अंबार लगे हुए हैं। कौन कौन सी रोचक घटना? जो छोटी सी सबसे पहली बात यह है कि हम तो चूंकि सागर विश्वविद्यालय से पढ़ के गए थे जी। और तमाम हमारे साथ जो अध्यापक थे वो जॉब भी कर रहे थे और प्राइवेट तौर पर पढ़ भी लिए थे जी, जी। तो थोड़ा चिढ़ते थे कि ये टॉपर है, लड़के प्रभावित होते थे हमसे, तो ये थोड़ा सा चूहा बिल्ली का खेल चला। लेकिन अंततोगत्वा हमारे पढ़ाए हुए लड़के सब टॉपर रहे जी। जैसे श्याम सुंदर है, अखिलेश है, हरि भटनागर है, मतलब वो अच्छे मुकाम पे पहुंच गए। हाँ, ये अच्छी जगहों पर पहुंच गए हैं, अच्छे लेखक बन गए हैं। अब आप कल्पना करियो कि हमारी भावुकता की कि जब रिटायर हुए हैं लोक सेवा आयोग के चेयरमैन रामलाल सिंह जी, जी जी रामलाल सिंह जब रिटायर हुए हैं। हाँ। तो हमारे पास आए, 7 दिन रहे। हाँ। सुल्तानपुर में। हाँ। बोले भैया, हम इसलिए नहीं आते थे तुम्हारे पास कि चौधरी चरण सिंह के हम है दामाद जी, इसलिए हमारे लोक सेवा आयोग में हो गया, अध्यक्ष बन गए हम। लेकिन इसमें फिर विवाद हो जाता और वो क्षेत्र ब्राह्मण बहुल है, इसलिए ये यादव थे,
इसलिए, लेकिन वे आते थे हमारे पास रहने के लिए, 2 दिन रहे, 3 दिन रहे। भाषा विज्ञान के बहुत अच्छे विद्वान थे, उनकी किताबें भी हैं भाषा दर्शन। हरे साहब, आप हमारे चैनल के जो दर्शक हैं उनको कोई संदेश दीजिए नए साल में। हम तो चाहते हैं कि देखिए, एक तो अहिंसा का वातावरण हो और स्त्री का आदर हो। स्त्री बहुत सहती है, हमने 4 बहनों के भाई हैं अकेले, तो हमने एक प्रसव पीड़ा भी देखी है, लोगों की तड़पते हुए भी देखा, इनके लोगों को और खुश होते हुए देखा। सबसे संवेदनशील इकाई है इस देश की, इस संसार की स्त्री। इसलिए मैं सोचता हूँ कि उसके साथ, उसके प्रति अत्याचार ना हो। अब अत्याचार अचानक हो जाता है तो वो अलग है भाई जी। ठीक है, तो ये थे जगदीश खरे जीव मित्र जी, जो अपने बारे में, अपने शिक्षण काल के बारे में और अपनी साहित्यिक यात्रा के बारे में बंजारा बीट के साथ अपनी यादें शेयर कर रहे थे। खरे साहब, बंजारा बीट से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए भाई, आपको आपको बहुत आशीर्वाद कि आप ऐसे स्वस्थ बने रहे और ढकी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकाले। जी जी। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।